अगर आप एक हार्ट गेनर या स्किनी बच्चे हो जिसे वेट गेन करने में बहुत दिक्कत आ रही है तो आई एम श्योर ये शेक आपको हेल्प करेगा आपकी वेट गेन की जर्नी में। ये हाई इन कैलोरी, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड इजी टू मेक शेक है। इसे मैंने अपने डाइट में एक साल पहले इंक्लूड करा था एंड तब से लेकर अब तक मैंने अपने बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड चलो चलते हैं किचन में। अपने किचन में जहाँ पे अभी हम बनाएंगे अपना शेक, तो शेक के लिए पहली चीज हम लेंगे हमारे प्यारे ओट्स। ओट्स में इसलिए डालता हूँ क्योंकि ये गुड सोर्स है एनर्जी का, काम इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। और अगर 100 ग्राम ओट्स लेंगे, मैं 100 ग्राम डालता हूँ, अगर 100 ग्राम ओट्स लेंगे हम इससे 11 ग्राम प्रोटीन एकदम ईजीली मिल जाएगा। तो अच्छा है ओट्स फॉर दैट एनर्जी इन योर वर्कआउट, आपके वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड ये आपके शेक को थोड़ा थिक भी बना देगा। अगर अभी आप नॉर्मल ओट्स खाने जाओगे 100 ग्राम्स बहुत हार्ड रहता है, बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है ओट्स खाना। सो सिंपली हम इसे एकदम शेक में डाल के पी सकते हैं, लिक्विड कैलोरीज बहुत ईजी रहता है कंज्यूम करने के लिए, कैलोरीज भी बढ़ा देगा ईजीली। सो ओट्स डालना इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी मैं लूँगा 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स एंड मैं ऐड करूँगा हॉर्लिक्स बॉर्नविटा या आपको जो भी ऐड करना है फॉर दैट एक्स्ट्रा टेस्ट। हॉर्लिक्स ऐड करने से हमें थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर मिल जाएगा और कुछ नहीं है हॉर्लिक्स से, मैं तो एक शेक बहुत गंदा टेस्ट करेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। पहला दिन मुझे याद है जब मैंने बनाया था, हाय हाय हॉर्लिक्स डालना भूल गया, बहुत गंदा बना था, फेल किया था मैंने दोबारा से। तो पहले ओट्स ले गए, उसमें डालेंगे हम हॉर्लिक्स और उसे एकदम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। इसे ग्राइंड करने हम ओट्स को इसलिए ग्राइंड करेंगे क्योंकि अगर हमने ग्राइंड नहीं किया, इसको पाउडर फॉर्म में नहीं किया, तो बाद में वो बहुत थिक थिक बन जाएगा, नीचे का लेयर बहुत थिक रहेगा, ऊपर एकदम इजीली पी सकते हो आप, बाद में वो आपको खाना ही पड़ेगा ओट्स एट एंड खाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम एकदम पाउडर फॉर्म में कर देंगे एंड देन वी विल ऐड बनाना, 2 or 3 बनाना। बनाना सिंपल कार्ब्स है जो हमें वापस एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रोटीन रहता नहीं है बट कार्ब्स बहुत ज़्यादा रहता है एंड जो हमें वर्कआउट में वो कॉन्स्टेंट एनर्जी देता रहेगा। 2 बनाना डाल सकते हो आपके शेक के हिसाब से, जितना आपका शेक रहेगा, जितना आपकी क्वांटिटी डाली रहेगी ओट्स की, उसके हिसाब से आपका बनाना लगेगा। अब जैसे कि मैं डालता हूँ 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स, उसमें मैं रहते हैं कुछ 2 या 3 बनाना आराम से डाल देता हूँ क्योंकि वो कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है। आपको ट्रायल एंड एरर भी करना पड़ेगा कि आपको कौन सा थिकनेस अच्छा लगता है आपके शेक का। पहले 1 महीना लगा था मुझे मेरा परफेक्ट शेक बनाने के लिए, बाद में से 1 साल तक सेम टू सेम पी जा रहा हूँ एंड इसने मुझे बहुत हेल्प किया अपने वेट गेन की जर्नी में। बनाना ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर। पीनट बटर हाई इन कैलोरीज होता है एंड गुड फैट्स का एक बहुत अच्छा सोर्स रहता है। अगर आप एक हार्ड गेनर हो तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू ऐड पीनट बटर इन योर डाइट। पीनट बटर से हमें बहुत ज़्यादा अच्छी कैलोरीज मिल सकती है एंड गुड फैट भी मिलेंगे एंड इसमें अच्छा खासा प्रोटीन भी मिल जाता है हमें। पीनट बटर ऐड करने के बाद लास्ट थिंग हम ऐड करेंगे वो होगा मिल्क। मिल्क अभी मैं कुछ मेजरमेंट लेके नहीं करता हूँ, मैं अपना हिसाब से डाल देता हूँ क्योंकि 1 साल हो गया मुझे ये शेक बनाते हुए, बहुत ईजी लगता है मुझे ये शेक बनाना, कुछ मेजरमेंट नहीं करना पड़ता, एकदम सब परफेक्ट वैल्यू ही रहती है, अराउंड 100 ग्राम जो भी है एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको पहले थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट होने में आपके क्वान्टिटीज के साथ, आपका जो भी फूड आइटम रहेगा उसके क्वान्टिटीज के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको आप अडेप्ट हो जाओगे उससे और आपको ये शेक बहुत अच्छा लगेगा, आपकी फेवरेट मील बन जाएगी ये डे की, क्योंकि पर्सनली ये मेरी फेवरेट मील होती है डे की। बहुत इजी रहता है कैलोरीज को कंज्यूम करना, बहुत इजी रहता है इसको बनाना, 5 मिनट का काम है, लिटरली 5 मिनट का काम ही है। जो आपको ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है वो भी कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स भी एक अच्छा सोर्स है कैलोरीज का। अगर आप हार्ड गेनर हो तो आई रिकमेंड यू वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी ज़्यादा बनाओ एंड लास्ट में हम इसे एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे एंड हमारा शेक है रेडी पीने के लिए। ये शेक कुछ ऐसा दिखेगा ब्राउन कलर का, अगर आप सेम टू सेम चीज़ें फॉलो करोगे एंड कंसिस्टेंसी तो बहुत अच्छी रहेगी। अभी मैं अपने शेक को एंजॉय करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, पीस।